अस्सलामुअलैकुम जनाब अरशद खान मुल्तानी टीम मीटिंग रिफ्रेशमेंट प्रोग्राम के साथ आपके साथ हाजिर है अपने नए मेहमान के साथ जनाब शकील चौधरी साहब, यहाँ के बिजनेसमैन हैं और ये अपना तारुफ खुद अपनी जबानी कराएंगे। शकील चौधरी साहब, आप हमारे नाज़रीन को बताइएगा अपनी एक्टिविटीज, अपनी मसरूफियात और आप यहाँ पर क्या करते हैं। जी अच्छे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया यहाँ पे बात करने का। मैं स्वीडन में मोर देन 22 ईयर्स मैं स्वीडन में मुकीम हूँ और मेरा बिजनेस है जलवी ट्रांसपोर्ट के नाम से। माशाल्लाह 100 पीपल से ऊपर इस कंपनी में लोग काम करते हैं, तो माशाल्लाह हर तरह से सेटअप है। माशाल्लाह जबरदस्त। शकीचो साहब, आप कितना अच्छे से यहाँ जो काम कर रहे हैं, आपको पहले और अब में क्या फर्क महसूस हुआ है? जैसा कि आप पाकिस्तान से आए 20 साल पहले, आपको क्या मुश्किल थी, अब जो है आपको क्या फैसिलिटीज यहाँ नजर आती है बेटर देन बिफोर? अगर आप ये पूछते हैं, पाकिस्तान और स्वीडन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अगर आप देखते हैं टैक्स के हवाले से या कारोबारी हवाले से या किसी कानूनी हवाले से, यहाँ पे कानून की बालादस्ती है। अगर इसके बरक्स अगर पाकिस्तान में देखें, वहाँ पे कानून की बालादस्ती नहीं है। स्वीडन में हर बंदा जो यहाँ पे मुकीम है उसको टैक्स देना पड़ता है, उसके बदले उसको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, चाहे वो हेल्थ के चक्कर में हो, चाहे वो एजुकेशन के चक्कर में हो। लेकिन पाकिस्तान अभी इससे बहुत पीछे है। हमें वहाँ पे एजुकेशन आम करनी चाहिए, लोगों को टैक्स के बारे में बताना चाहिए कि आपके टैक्स से पहले आपको ये फैसिलिटीज मिलेंगी। मतलब आप पाकिस्तान गवर्नमेंट को ये पैगाम दे रहे हैं कि हमें भी वहाँ पर स्टूडेंट जैसा निज़ाम नाफिज करना चाहिए, हमें भी ऐसी फैसिलिटीज पाकिस्तान में मिलनी चाहिए। और मिल जरूर, हमें पाकिस्तानी जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं उनको ये सारी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए जो यहाँ पे स्वीडन में है। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे कह रहे हैं। इंशाल्लाह हमारे पाकिस्तान में भी ऐसी अच्छी गवर्नमेंट चेंज होती रहती आती रहती है, हम भी दुआ करते हैं हमें भी अच्छा हुक्मरान हमारे पास आए और हमें भी ऐसी फैसिलिटीज मुहैया हो जो यहाँ पर यहाँ सुनी सब हमको। ठीक है, आप जो सब ये बताइएगा, आप माशा मैरिड हैं? जी जी, मैं शादीशुदा हूँ। माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं, यहीं पर तालीम हासिल कर रहे हैं। ठीक है, आपकी हॉबीज क्या है? आप तो सुना बहुत गुनाते भी हैं। तो सुना आपने गलत है, लेकिन मेरी हॉबीज ये हैं कि मैं स्पोर्ट्स में ज़्यादा टाइम देता हूँ। मैं वीकली 2 टाइम्स बैडमिंटन खेलता हूँ, ठीक है, वीकली 2 टाइम मैं स्विमिंग करता हूँ। मतलब अपने हेल्दी रहने के लिए अपने आप को फिट रखते हैं। जी जी, ये मुझे तकरीबन मोर देन 10 ईयर्स 15 ईयर्स मैं इस स्पोर्ट्स से मुंसलिक हूँ, बैडमिंटन। जबरदस्त, आपने यहाँ टूर्नामेंट भी खेले? जी जी, मैंने टूर्नामेंट 3 टूर्नामेंट यहाँ पे जीते हैं स्वीडन में, यहाँ के यूनिटी। चोई सब ठीक है, ये तो हो गया। ये आप गुनगुनाते भी हैं, आपको गाना आता है? आप जी, गाने का इतना शौक नहीं है, मैंने आपको बताया स्पोर्ट्स से मुझे ज्यादा लगाव हुआ है, उसके बाद शेर व शायरी से, शेर व शायरी से भी इतना ज्यादा लगाव नहीं है। लेकिन मैं ज़्यादा जब लॉन्ग ड्राइव या किसी भी बच्चों के साथ जाना पड़े, सेमेस्टर पर जाए, तो वहाँ पे क्वालियाँ वगैरह या ऐसी चीज़ें मुझे लॉन्ग ड्राइव को पसंद करते हैं। जी जी बिल्कुल। आखिर में आप हमारे पाकिस्तान कम्युनिटी को क्या पैगाम देना चाहेंगे? आपको हमने तकलीफ दी थी, मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको भी चाहिए कि यहाँ पे आके अपना इंटरव्यू करें, अपने बारे में बताएं, लोगों के साथ रबते रखें। हो सकता है किसी के रबते से आप किसी की हेल्प कर सकें, हमें आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। और यही मेरा पैगाम यही है कि आप आपस में मिलजुल के और प्यार वापस रहे। माशाल्लाह, ये दीदी हमारे जनाब शकील चौधरी साहब जो इंतहाई कारोबारी और मशहूर शख्सियत है, मेहरबानी इनकी, आज उन्होंने हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला और हम नेक्स्ट प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। अरशद मुल्तानी को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।